तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो बॉलीवुड कुछ नया ट्राई करने की कोशिश तो कर रहा है और हाँ मूवी मसाला ड्रामा के साथ साथ कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट से भी कनेक्ट करा रहा है जो आपको बवाल मूवी में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मूवी को रिलीज कर दिया गया है। देखो जब इसका ट्रेलर आया था किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि मूवी में इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब ट्रेलर सही बताऊँ तो कुछ उम्मीद नहीं करी जा रही थी इससे कि ये मूवी हिट जाएगी या नहीं। खैर ये तो बहुत दूर की बात थी, लोगों का कहना था कि मूवी देखने लायक भी होगी या नहीं। लेकिन भाई साहब सच बताऊंगा, मूवी में दम तो है। देखो जब ट्रेलर आया था मैंने भी इसको क्रिटिसाइज़ करा था कि क्या कंटेंट ला रहे हैं, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रेलर में तो बहुत सी चीज़ें दिखाई ही नहीं गई थी, तो सब जानेंगे मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, स्टोरी लाइन कैसी है सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी वरुण धवन के फैन हैं और नीतीश तिवारी डायरेक्शन के डायहर्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वरुण धवन को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लिया गया था लोगों ने जब से इस मूवी का ट्रेलर आया था और पिछली कुछ फिल्में भी दमदार नहीं थी। लेकिन भाई साहब अज्जू भाई का जो रोल है उसमें फिर भी यही बंदा हुआ है। मतलब अगर एक्टिंग की बात करें तो ना ज़्यादा ओवर किया है और ना ही ज़्यादा सिंपल। एक ग्रीडी बंदा कैसा होना चाहिए बिल्कुल कैरेक्टर में घुसा है। देखो कई बार वरुण धवन को ओवर एक्टिंग की दुकान बोला जाता है लेकिन इस बार बहुत सही बैठते नज़र आए हैं वरुण भाई। बाकी दोस्तों मूवी ना ही ज़्यादा अच्छी है और ना ही ज़्यादा बुरी है, कहानी बिल्कुल एवरेज है। हाँ आप मन लगा के देखोगे तो आपको समझ भी आएगा और मज़ा भी आएगा। स्टोरी है एक लालची बंदे की जिसे झूठ बोल के लोगों को ठगना बहुत अच्छी तरीके से आता है और ऐसे ही करके उसने हीरोइन यानी जाह्नवी को भी फंसाया था। या दोस्तों मूवी फुल ऑफ ड्रामा से भरी हुई है जिसमें आपको समटाइम रोमांस मिलेगा, समटाइम इमोशनल ड्रामा, फैमिली ड्रामा और ढेर सारा मसाला तड़का भी मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हिस्ट्री से सीधा वर्ल्ड वॉर टू से कनेक्शन दिखाया गया है। मतलब दो ऑर्डिनरी प्रेमी जोड़ी की लाइफ को हिस्ट्री में कनेक्ट करा गया है, वर्ल्ड वॉर टू से कनेक्ट कर दिया है कि कैसे उन दोनों के जो भीतर चलता है वो कैसे टैकल और हैंडल करते हैं उसे। वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा एरा से कनेक्ट करा के जनता के सामने रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि आखिर उस वक्त कितना पीड़ा सहा था लोगों ने, गैस चैम्बर में कैसे बेदर्दी से ज़बरदस्ती भर के मार दिया जाता था ज्यूस लोगों को। और मूवी में मैसेज ये भी दिया गया है कि हर किसी इंसान के अंदर एक हिटलर छुपा हुआ होता है जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाकी असली कहानी वरुण धवन की वहाँ से शुरू होती है जब ये जर्मनी ट्रिप प्लान करता है खुद के घूमने जाने के लिए जाह्नवी के साथ एज ए हनीमून इंजॉय करने के लिए। लेकिन लोगों को वहाँ बता के आता है कि मुझे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में गहराई से जानना है ताकि मैं अच्छे से टीच कर पाऊँ बच्चों को स्कूल में। और इसके लिए वो तमाम लोगों को झूठ बोलता है और इवन अपनी फैमिली तक से झूठ ही बोलता है। फिर ये चीज़ें धीरे धीरे जाह्नवी को पता लगने लग जाती है कि वरुण है किस टाइप का, मतलब लालची बंदा है। बस फिर क्या, अब यहाँ से क्लासेस होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर मूवी कॉन्टेंट की बात तो यस अमेजिंग है, आपको मजा आएगा। पर ऐसा भी नहीं है कि अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तुम इस फिल्म को देख लो। तो मूवी एवरेज है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से नीतीश तिवारी द्वारा अच्छा खासा एफर्ट मारा गया है। बाकी जाह्नवी की एक्टिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, डायलॉग डिलीवरी इस बार अच्छी खासी करी गई है जाह्नवी की तरफ से और वरुण धवन भी अज्जू भाई के कैरेक्टर में बिल्कुल जम रहे हैं, इनकी तरफ से भी एक्टिंग में परफेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों मूवी को पब्लिक की तरफ से मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, मूवी किसी को बहुत पसंद आ रही है तो किसी को पल्ले ही ना पड़ रही है। दरअसल बात यह है कि मूवी डायरेक्ट करी गई है नीतीश तिवारी द्वारा जिनका डायरेक्शन लेवल थोड़ा हटके होता है। जैसे दंगल आपने देखी है, क्या सुपर डुपर हिट मूवी थी। इसी के साथ छिछोरी भी आपने देखी होगी, बिल्कुल अपोजिट कॉन्टेंट दंगल का। और अब ये बवाल, तो भाई साहब ये मूवी में दम तो है, नीतीश तिवारी का डायरेक्शन है तो दमदार, जिस हिसाब से इनका क्रिएटिविटी लेवल है और उसे स्क्रीन में इस तरह से डालना जो जनता से कनेक्ट कर सके, दिस इज अमेजिंग सर। बाकी मूवी को अगर आप लोगों को देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज करा गया है। कहां पर? अमेज़न प्राइम पर। फैमिली के साथ आप इसे देख सकते हैं, मस्त घर में एंजॉय करके मूवी का मजा लीजिए। बाकी एक सवाल आप लोगों से करके जाऊंगा कि दंगल, छिछोरे और ये फिल्म बवाल तीनों ही देख ली हैं अगर आप लोगों ने तो बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को इनमें से, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।